किचन है श्वेता लाइफ स्टाइल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल यू गुड। तो आज मैं जो साड़ी ड्रेपिंग दिखा रही हूँ, तो वो आज मैं जो साड़ी यूज़ कर रही हूँ वो है सिल्क साड़ी। एंड जो इसका ये जो सिल्क है, एक होता है मिक्स सिल्क, बट ये जो साड़ी है वो प्योर सिल्क की साड़ी है। तो इस मैं जो आज लुक क्रिएट कर रही हूँ साड़ी का, वो है कि लुक लाइक अ टीचर। एज ए टीचर आपको कैसे साड़ी बांधनी चाहिए, रैप करनी चाहिए, तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साड़ी को अच्छे से रैप किया है और साड़ी को हमेशा टाइट फिटिंग करके आपको रैप करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। कहीं से भी लूज़ साड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको परफेक्ट वे में साड़ी को ड्रैप करना है तो उसको बहुत अच्छे से टाइटली टक करना होगा। एंड साड़ी को रैप करने के बाद जो इसका पल्लू है वो बना लेंगे। और पल्लू बनाते टाइम आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्लेट्स है आपको जितना ब्रॉड बनाना है, पतला बनाना है पतला, एंड थोड़ा सा चौड़ा बनाना है चौड़ा। अगर आप टीचर हैं और स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए आप साड़ी को ड्रैप कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें थोड़ा जो एक्सपोज नहीं होना चाहिए कहीं से बॉडी, तो आपको जो पल्लू है थोड़ा सा ब्रॉड बनाना चाहिए। एंड उसके बाद आप साइड से साड़ी लेके आएंगे, उसकी उसकी टाइट जो फिटिंग है उसको देने के लिए अपने वेस्ट पर उसके बॉर्डर को पिन से टक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस तरह से। और अगर आपको साड़ी बांधनी अच्छे से आती है तो आप इसको विदाउट पिन की हेल्प से भी उसको बांध सकते हैं, बट अगर नहीं आती है तो आप वहाँ पे इस सेफ्टी पिन का यूज़ ज़रूर करें, जैसे कि मैंने किया। एंड उसके बाद जो थोड़ा सा साड़ी है उसको लेके आप उसको टक कर लेंगे। एंड देन प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स हमेशा ध्यान रखें इक्वल बनानी चाहिए। एंड जो फ्रंट प्लेट होती है वो बाकी जो प्लेट्स हैं उनसे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ताकि वो जो बाद की प्लेट्स हैं तो वो ढक जाए उससे। अगर फ्रंट प्लेट छोटी होगी तो प्लेट्स का जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा और प्लेट्स आपकी अच्छी नहीं लगेंगी। और साड़ी ड्रैप होने के बाद, जब ये सभी जानते हैं कि साड़ी अगर अच्छे से ना रखो तो फिर खुद को भी नहीं अच्छा लगता। और जैसे कि पल्ला यहाँ पे गिर रहा है, अगर आप चाहें तो और पहले से वापस सेफ्टी पिन बना के रखिए, ताकि जब आप और जो साड़ी है वो ड्रैप करें तो उसमें डिस्टर्बेंस हो। इस तरह से आप पहले प्लेट्स को सेट कर लेंगे अच्छे से। एंड इसके बाद जो साइड की साड़ी आपकी बच जाती है, अगर आप अच्छे से प्लेट्स बनाएंगे तो साड़ी आपकी ज़्यादा नहीं बचेगी, बट जो थोड़ा सा बच जाती है उसको आप जो भी पिट्टी कोट या जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें आप उसको टक कर लेंगे। एंड देन उसके बाद सेफ्टी पिन यूज़ करेंगे। सेफ्टी पिन आपको बहुत ही ज़्यादा ब्राइट यूज़ नहीं करना है, आप चाहे मैचिंग का यूज कर सकते हैं, बट जो स्टील के आते हैं वो भी आप सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स को बांध लिया है। एंड अब पल्लू बनाएंगे। तो पल्लू बनाते टाइम मैंने हमेशा आपको बताया है, जब भी आप पल्लू बनाएं तो आपको जितनी प्लेट्स रखनी है या जितनी चौड़ी प्लेट्स रखनी है वो रखिए इस तरह से। जब भी आप अगर टीचर हैं तो जब भी आप साड़ी यूज़ करें वो अगर आप कॉटन और सिल्क ही यूज़ करें, उसमें आपका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा और ऐसे टीचर आप बहुत ही परफेक्ट लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे।
तरह से देखिए आपको मेरा कोई भी मतलब कहीं से भी इतनी साड़ी आपको इतनी हाई वेस्ट पर भरनी चाहिए। और अगर आपको डाउट लग रहा है कि आप कुछ एक्सपोज हो रहा है, तो जो साइड में वेस्ट में जो ये बॉर्डर गया है वहाँ पे आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये ट्रिक भी बताऊँगी कि कैसे आप कवरअप कर सकते हैं बॉडी को। इस तरह से पल्लू को सेट करके और उसको सेफ्टी पिन से पिनअप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने और फिर दोबारा से पल्लू को सेट कर लेंगे। या पल्लू थोड़ा अप एंड डाउन है तो वो मेरे जो पल्लू पे कहते हैं ना पीको होता है, तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से है, सो डोंट माइंड। एंड ये देखिए मेरा जो साड़ी लुक है तो वो सिल्क साड़ी लुक तो वो रेडी एंड टीचर लुक प्रोफेशनल। तो ये देखिए अगर आपको मेरा ये साड़ी लुक पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए एकदम परफेक्ट साड़ी एज मतलब टीचर के लिए, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। और जितना आप सिंपल और सिंपल एंड सिल्क कॉटन यूज़ करेंगे, अगर आप टीचर हैं तो वो साड़ी बांधेंगे तो आप अलग ही दिखेंगे। तो इस तरह से एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।